तो खबर को कमजोर दिल वाले मत देखिएगा, क्योंकि इस खबर को आप देख नहीं पाओगे। दरअसल खबर नरसिंहगढ़ ब्लॉक के मंडावर से है और एक मासूम की मौत इसलिए हो गई क्योंकि भीषण गर्मी है राजगढ़ ज़िले में। इस वक्त राजगढ़ ज़िले में करीब जो पारा है वो 46 डिग्री पर है, लेकिन बिजली विभाग बिल्कुल नींद में है। पता नहीं इतनी गर्मी में बिजली विभाग को नींद कैसे आ जाती है। चलिए अब खबर को डिटेल में बताते हैं। दरअसल इस मासूम की मौत गर्मी के कारण हुई है और भीषण गर्मी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजगढ़ ज़िले में पारा जो है वो 46 के करीब है और परिजनों ने आरोप लगाया कि इस भीषण गर्मी में बिजली ना आने के कारण इस मासूम की मौत हुई है। 8 दिन की इस मासूम का क्या कसूर था कि बिजली विभाग की लापरवाही या बिजली विभाग जो अघोषित कटौती कर रहा है उसके कारण इसकी जान चली जाती है। हम वहाँ के स्थानीय लोगों की बाइट भी आपको सुनवाते हैं, वहाँ के सरपंच साहब की बाइट हमारे पास है, उस बाइट को भी सुनिएगा और उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। हम आपसे सवाल करेंगे जो बिजली विभाग में बैठे हुए लोग हैं कि क्या आप अपने आला अधिकारी को इस तरह की खबरें नहीं बताते हैं कि हमारे यहाँ पर बिजली ना देने के कारण एक 8 दिन की मासूम की जान चली गई जिसका कोई कसूर नहीं था। राजगढ़ ज़िले में रहने वाली वो मासूम जिसने अभी आंखें खोलना तक नहीं सीखा था, उसके परिजनों ने किस तरीके से उसे दफनाया है आप खुद अपनी आंखों से स्क्रीन पर देख लीजिए। स्क्रीन पर देखिएगा उस मासूम को दफनाने का ये वीडियो, स्क्रीन पर देखिएगा उस मासूम की गरीबी वाला घर जिसमें चद्दर लगे हुए हैं। और चद्दर सर, इस तरह के जो चद्दर है वो राजगढ़ ज़िले के कई सारे घरों में लगे हुए हैं और भरी दोपहर में जब लाइट नहीं आती है, भरी दोपहर में जब बिजली नहीं आती है तो 46 डिग्री का यह तापमान उन चद्दरों को कितना गर्म कर देता होगा और जो उन चद्दरों के नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनकी हालत क्या होती होगी, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि जब हम हमारे इन्वर्टर वाले घर में पंखा चलाकर आराम से सो रहे होते हैं तब वो बाहर लू में कहीं ठंडे पेड़ की छाया ढूंढ रहे होते हैं, जो गरीब लोग हैं राजगढ़ के। चलिए अब ये खबर बन गई है, अब इसको बंद कर देंगे, आप लोग शेयर कर देंगे, लेकिन मौत तो हो गई ना सर, एक 8 दिन के मासूम की मौत तो हो गई ना, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन बिजली विभाग के उन अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाएगा? नहीं करवाएगा सर, क्योंकि बिजली विभाग वालों की क्या गलती है, वो तो अघोषित कटौती करेंगे जब तक उनके आला अधिकारी उनसे बोलेंगे। खैर, ग्रामीणों ने जो कुछ कहा है आप सुनिएगा, सरपंच साहब ने जो कुछ कहा है वो भी सुनिएगा। ये सुबह से ही बिजली नहीं थी, इस कारण आज मंडावर में एक मासूम बच्चे की मौत हुई, इसमें क्या कहेंगे आप? आज सुबह 8 बजे से बिजली बंद है यहाँ की। मैंने यहाँ के स्थानीय लाइनमैन से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे मीटर रीडर को एक उपभोक्ता ने मारा, झगड़ा हुआ है और हम FIR दर्ज कराने उपभोक्ता की, तो पुलिस विभाग ने FIR दर्ज कर ली, हम लोगों की दर्ज नहीं की। इस विरोध को लेकर के हमने आज यहाँ से मंडावर गेट से लाइट बंद कर रखी है। तो फिर मैंने SC साहब से बात की, DI साहब से बात की, GI साहब से बात की, पुलिस विभाग SDOP साहब से बात की, सभी लोगों से चर्चा की और चर्चा के उपरांत इतनी सारी चर्चा होने के बाद में भी लगभग 4:30 बजे यहाँ की मंडावर की लाइट चालू हो पाई और रात्रि को भी अनावश्यक 2-2, 3-3 घंटे लाइट मंडावर गांव की बंद रहती है। दिन में भी अधिकांश लाइट बंद रहती है यहाँ की, बार बार ये चलता रहता है, लोड सेटिंग चल रहा है, माने विद्युत की यहाँ की समस्या को लेकर के मेरा गांव काफ़ी परेशान है। मैं विद्युत विभाग के अधिकारियों को और शासन प्रशासन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि ऐसी पुनः इनकी लापरवाही के कारण कहो या इनकी अव्यवस्था के कारण कहो, आज मैं बहुत दुखित और बहुत क्षुब्ध हूँ कि मेरे गांव के एक गरीब परिवार का एक 8 दिवसीय बालक अचानक इसी गर्मी के कारण, गरीब परिवार है, घर पर चद्दर डले हुए हैं
ऑक्सीजन नहीं पाई मिल पाई बालक को जाने कैसे, और टेम्परेचर आज का बहुत अधिक ज़्यादा रहा गर्मी का और मासूम की मृत्यु हो गई। इसको लेकर के मैं बहुत ही दुखित और क्षुब्ध हूँ, और जिस परिवार में घटना घटित हुई उस परिवार को मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और भगवान परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ इस परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे। घर में एक बच्चे की मौत हुई, क्या कारण है? कारण अभी जैसे सरपंच साहब ने बताया, गांव के प्रधान है और गांव के प्रधान ने तो इनने शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराया है, जब एसी साहब को, डीसी साहब को, जीआई साहब को, सबको अवगत कराया, इसके बावजूद भी कि लाइट नहीं है और बेमतलब की लाइट यह कटी हुई है, इसके कारण गांव में कोई दुर्घटना हो सकती है और हर कभी लाइट कट जाती है, जब इनकी नहीं सुनी जा रही है, अधिकारी नहीं सुन रहे, तो अधिकारी कितने लापरवाह हैं, या अधिकारियों की लापरवाही है या किनकी लापरवाही है, इसका तो निर्धारण होना चाहिए, क्योंकि किसी की जान की कीमत या इन पर जो है हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। क्योंकि जब सरपंच साहब स्वयं कह रहे हैं कि इनकी बात हुई और उन्होंने हड़ताल के लिए लाइट जोड़ने से मना कर दिया और कहा कि लाइट काट के रखेंगे, तो कर्मचारियों का विवाद है, तो पुलिस प्रशासन को एक घंटे या दो घंटे में कार्रवाई करनी चाहिए, एसपी साहब से पूछकर या जेई साहब से पूछकर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, या जो जेई साहब है इनको अपने विभाग के कर्मचारियों को समझाना चाहिए, जो डीसी साहब एसी साहब उनको समझाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ना तो उन्होंने समझाया ना पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की, मतलब जनता मरे तो मरे, पीसे तो पीसे, ना इन बड़े अधिकारियों को इससे कोई मतलब नहीं है और यह सर्वथा गलत है। आज इनकी लापरवाही के कारण ये घटना घटित हुई है। चद्दर का मकान है, हमारे परिवार में चद्दर का मकान है और उसमें जो है बालक की 5-6 दिन पहले जन्म हुआ था और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण और ये गर्मी अधिक होने के कारण सुबह से लाइट खत्म, लाइट नहीं थी और 4:30 बजे लाइट आई, तो इसमें गर्मी बालक सहन नहीं कर पाया और बालक का देहांत हो गया आज। यह बहुत ही दुखद घटना है और इसके लिए जो भी लापरवाह है और जो इसके लिए जवाबदार है उन पर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, ताकि आगे से जनता की इनकी लापरवाही के कारण जनता की जान पर ना बने और जनता परेशान ना हो। आज यह छोटी सी घटना नहीं कह सकते, क्योंकि एक जान हुई है, एक हत्या के समान है। हत्या इसलिए है कि जो है जान बूझ कर, अगर चलो किसी प्रकार से कोई गड़बड़ हो जाए, लाइट में गड़बड़ हो जाए या कोई तार टूट जाए, तो वह एक प्राकृतिक घटना हो सकती है, लेकिन जान करके लाइट काट के बैठना या बिजली विभाग के द्वारा एक हत्या की गई एक मासूम की, इस पर पुलिस प्रशासन को इसमें प्रकरण दर्ज करना चाहिए और बहुत ही गलत है यह। और मेरा समस्त नेताओं से सबसे अनुरोध है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, वरना भूख हड़ताल की जाएगी और चक्का जाम मंडावर में किया जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से इन लोगों ने बकायदा बताया कि बिजली ना आने के कारण और भीषण गर्मी होने के कारण उस मासूम की मौत हुई है। उस मासूम का कोई कसूर नहीं था और हम ये कह सकते हैं कि जो बिजली कर्मचारी हैं, जो बिजली के आला अधिकारी हैं, उनको प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सूचित करना चाहिए कि सर, देश का सबसे हॉटस्पॉट इलाका राजगढ़ है, राजगढ़ में बिजली होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की जान जा रही है, बूढ़ों की जान हलक में है। और सर, अभी पहला केस है, हो सकता है आपका बिजली कटौती की वजह से राजगढ़ ज़िले में और भी केस बढ़े। हम चाहते हैं कि राजगढ़ के वासी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को शेयर करके उस मासूम को न्याय ज़रूर दिलवाइएगा जिसने अपनी आँखों से दुनिया तक नहीं देखी। बहुत बहुत धन्यवाद।